जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, कंपार्टमेंट का रिपेयर हो रहे हैं, तो उन सभी को एक डाउट आ रहा है क्या वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकते हैं। तो काफी बच्चों को मैं देख रहा हूँ कमेंट आ रहा है कि उनको जो एग्जामिनेशन सेंटर वो काफी दूर लगा है, कहीं का 100 किलोमीटर, कहीं का 50, कहीं का 40 किलोमीटर, तो इतना दूर सेंटर क्यों लगा, ये चीज़ तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। क्योंकि जो आपको जो सेंटर लगता है जहाँ पे आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उसमें जो आप एड्रेस देते हैं उसके आसपास ही उस सिटी में ही आपका सेंटर लगता है, तो इतनी दूर सेंटर क्यों जा रहा है ये भी मुझे समझ नहीं आया। और जो सेंटर लगता है उसमें उस सेंटर पर जो जो भी शहर के बच्चे होते हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए भरा है मान लो, तो इंप्रूवमेंट एग्जाम वाले बच्चे जितने भी होंगे वो उस सेंटर पे जाते हैं, कंपार्टमेंट वालों का एक सेंटर होता है और जो रीअपीयर हो रहे हैं उनका एक सेंटर होता है, यानी कि तीनों के सेंटर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। तो आपका जो सेंटर है काफी दूर क्यों लगा ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। तो एग्जाम सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपको सीबीएसई बोर्ड ने दे दिया है वहीं पर आपको जाकर एग्जाम देना पड़ता है, पर फिर भी आप एक बार रीजनल ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं भी इसमें इस बारे में कोशिश करूंगा उनसे कॉन्टैक्ट करने की और पूछने की कि आखिर इतनी दूर सेंटर क्यों लगा है। और जाहिर सी बात है अगर कोई बच्चा, ये कोई आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, कोई नीट या जेईई का एग्जाम नहीं है कि बच्चा एक दिन गया एग्जाम देकर वापस आ गया, ये तो बोर्ड एग्जाम है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके 5 से 6 एग्जाम होते हैं, तो हर दिन हर डेट पर इतनी दूर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस बारे में कल को हम मैं कोशिश करूंगा सीबीएसई से बात करने की कि आप रीजनल ऑफिस में जाके या किसी तरह से इसको चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और इन दूर सेंटर आगे क्यों लगा इस बारे में मैं उनसे पूछूंगा। आप भी ट्राई करिएगा कि आपको जो रीजनल ऑफिस है उसमें बात करने की। आई होप आपको समझ आए, कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको नया नोटिस होता है इन्फॉर्मेशन आते उससे बात करेंगे। थैंक यू।